मतलब मैं सेब उतारने जाता था, सेब उतारने, सेब उतार, हाँ सुबह 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 मतलब 9 बजे से स्टार्ट होता है, शाम के 6 बजे तक। आपके दिन के पैसे बढ़ने लगे? हाँ। कितने होने लगे? मतलब फिर 500 से लेकर 550। 7 साल में इतना ही बढ़ा? इतना ही बढ़ा। ऑफलाइन कोचिंग करने चले गए थे आप? 30,000 रुपया फीस थी। कभी कभार किराया भी नहीं होती थी, पैदल जाना पड़ता था 7 किलोमीटर, फिर मैंने छोड़ दिया। घर पे मोबाइल नहीं था? घर पे मोबाइल नहीं था। हम वहाँ पर वो खिड़की ऊपर मारते हैं पेंट, फिर वाल पुटी हो गई, वो पेंटिंग का काम करता हूँ। फिर सुबह 3 बजे? हाँ सुबह 3 बजे। 7 से 12 रात को पढ़ाई? हाँ, और फिर सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक ये रूटीन चलता था। 3 से 8 क्या करते थे? मतलब पढ़ाई। तो सोते 3 घंटा थे? हाँ सोता मैं इतना ही था रोज। हाँ रोज, मतलब यही स्ट्रगल थी, वरना तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती। कितने साल तक रोज 3 घंटा? हाँ यही, मतलब यही 10-12 साल ही रहा। तुम इससे भी बड़ा कुछ बनाओगे, तुमने मेरे से ज्यादा स्ट्रगल देखे लाइफ में, मैंने कुछ नहीं देखा। ये जो वीडियो है ना, ये हिला देगा लोगों को। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ है एक बहुत ही बेहतरीन कहानी, नीट 2023 में 601 नंबर लाने वाले, कश्मीर के श्रीनगर में पुलवामा के एक गांव से, गांव का नाम जागी गांव गांव से उमर। और उमर की कहानी एक बहुत ही प्रेरणाधारक कहानी है और हम सबको वो कहानी सुननी चाहिए। डिटेल में उमर से बातचीत करेंगे और मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को ये कहानी आज बहुत मोटिवेट करने वाली है, इसीलिए उमर हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। उमर जैसे बच्चों पे हमें फक्र है और उमर जैसे बच्चों के लिए फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म काम करता है। उमर हमारे साथ यकीन बैच से एसोसिएटेड थे, यकीन बैच से जुड़े थे और 2.0 से, और उसी बैच के चलते हम उमर को जानते हैं। तो उमर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू सर। और ये जो आपकी कहानी है ये मैं चाहता हूँ भारत का हर बच्चा सुने। हाँ। शुरू से चलते हैं, एकदम बेझिझक होकर सारी बातें करेंगे। तो आपके कुछ इंटरव्यूज बाहर आए और वो इंटरव्यूज टीम ने देखे और टीम ने मुझको बताया कि ऐसा करके एक बच्चा है उमर, पेंटिंग वेंटिंग का कुछ काम करता है और नीट में सेलेक्ट हुआ है। मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं देखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि एकदम जीरो से आपकी कहानी सुनूं, कोई परसेप्शन नहीं। मैंने एक भी इंटरव्यू आपका नहीं देखा है, टीम ने देखा। सबसे पहले कहां जन्म हुआ और परिवार में कौन कौन है? जन्म में जायगाम पुलवामा कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरे मतलब फैमिली में मेरा माँ बाप, भाई और एक बहन है और मैं हूँ, मतलब 5 मेंबर हैं मेरे फैमिली में। आप एक गांव में हो पुलवामा के पास, जागी गांव जो 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर दूर है पुलवामा से। और परिवार में माता पिता हैं, एक बहन है, एक भाई है और मैं हूँ। बहन भाई क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं, बहन तो घर में ही है और भाई मजदूरी करता है। छोटी? हाँ बहन बड़ी है। बड़ी है? हाँ। वो पढ़ाई नहीं कर रहे? नहीं। और भाई? भाई मजदूरी करता है। किस क्लास में है? उसने 12th तक किया है फिर छोड़ा है। तो आपसे एक ही साल छोटा है? हाँ मतलब बड़ा है, एक साल। एक साल बड़ा है आपसे भाई और 12th तक पढ़ाई की, उसके बाद से वो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी का मतलब? मतलब मिक्सर के पीछे, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है किसी बिल्डिंग में, वही काम वो करते हैं। बचपन के बारे में बताओ कि कैसा था बचपन आपका, स्कूल कहाँ पे था, स्कूल कैसा था? मतलब मेरा बचपन मतलब गवर्नमेंट, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। मतलब गांव में था? गांव में था। हाँ अब अपने मतलब घर से वो मतलब 10-15 मिनट घर से लगते थे वहाँ स्कूल जाने में। और फिर मतलब 3rd क्लास से मुझे मजदूरी करना पड़ा, मतलब हाँ 3rd क्लास से। पापा मजदूरी? पापा मतलब मेरे, मतलब उसकी थोड़ा एज बहुत ज़्यादा है, 75 के ऊपर है, और यही स्ट्रगल चला मतलब 10th तक। तो जब आप छोटे थे हाँ तब पापा तब भी मजदूरी करते थे? हाँ तब भी मजदूरी करते थे। मम्मी घर संभालते? हाँ मम्मी घर संभालती थी। ठीक है, 3rd क्लास में आए तो आपको मजदूरी। हाँ, और बड़े भाई? बड़े भाई मतलब उस समय पढ़ते थे। वो पढ़ाई कर रहे थे? वो नहीं कर रहे थे काम? वो आप नहीं, कर रहे थे? वो करते थे मतलब अपने मतलब खर्चे के लिए। फिर आपने मजदूरी शुरू की? हाँ फिर मतलब यही सफर चला 10th तक। 10th? हाँ 10th तक, फिर 11th 12th तक यही सफर चला। दिन में कितने घंटे मजदूरी पे जाते थे? कैसे स्कूल दिन कैसे? मतलब फर्स्ट मतलब स्कूल में काम ही ज़्यादा था, मतलब गवर्नमेंट स्कूल है उसमें उतने मतलब मास्टर पूछते नहीं है, मतलब स्कूल क्यों नहीं आते गवर्नमेंट स्कूल में। फिर मतलब 10th तक यही बात रही और फिर 11th 12th मतलब मैंने मतलब मेडिकल पकड़ा सब्जेक्ट। पीछे चलते हैं अभी, आराम से पहुंचेंगे 11th 12th पे। 3rd से 10th तक आप स्कूल नहीं जाते थे, तो स्कूल जाए दिन थे मतलब बहुत कम बहुत कम। तो दिनचर्या कैसी होती थी और कैसे काम कैसे मिलता है? मतलब मैं सेब उतारने जाता था, सेब उतारने, सेब उतार? हाँ सुबह? सुबह सुबह मतलब 9 बजे से स्टार्ट होता है, शाम के 6 बजे तक। सेब तोड़ने जाते हाँ थे? सेब तोड़ने और कांची करने, मतलब उन दरख्तों को, क्या चीज़? मतलब कांची जो सेब, जिन सेब मतलब जिन दरख्तों पर होते हैं उनको कांची करना होता था, कैंची करना क्या होता है? मतलब शाखे काटना, शाखे काटना। काटना। हाँ तो ये आप सुबह से शुरू करते हाँ थे और ये और शाम तक शाम तक, चलता हाँ रहा? 6 बजे तक, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता था। कितना सेब काटते थे?
मतलब जितना एक बंदा कर सकता है। कितना होता था दिन का ऐसा? दिन का 500 होता था। तो जितने सेब काटते थे उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता? नहीं मतलब फुल के होता था 500 सबको। रोज का 500 हाँ रुपए रोज का सेब पाँच सौ काटने हाँ का। तो आप जाते थे और पिताजी भी जाते थे? नहीं मैं अकेला जाता था। तो घर पे पैसे सिर्फ आप कमा रहे थे, हाँ मेरे घर पे पिताजी भी था तो और मैं भी था। आप और पिताजी घर पे हाँ पैसे कमाते हाँ थे उस समय? और तीनों, तब आप तीनों बच्चे आप लोग पढ़ रहे थे? हाँ तब लोग तब 3 बजे पढ़ते थे। आप कब पढ़ाई करते थे फिर? मतलब मैं मेरे मतलब पढ़ाई का टाइम आता था, मतलब पर्टिकुलरली 6 बजे से मैं फारिग होता था, फिर 7 बजे से मैं स्टार्ट करता था 12 बजे तक, और फिर सुबह 3 बजे उठता था, 8 बजे तक करता था, फिर सुबह ये 3 बजे उठते थे, हाँ सुबह 3 बजे 7 से 12 रात को पढ़ाई की, हाँ, और फिर सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक ये फिर रूटीन चलता था, 3 से 8 क्या करते थे? मतलब पढ़ाई। तो सोते 3 घंटा थे हाँ सोता मैं इतना ही था। रोज? हाँ रोज मतलब यही स्ट्रगल थी, वरना तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। कितने साल तक रोज 3 घंटा हाँ सोए? यही मतलब यही 10-12 साल ही रहा। सर दर्द, आंखों में जल? अरे यार, कभी मेडिकल इशू नहीं आया 3 घंटा रोज सो रहे हो? मेडिकल इशू ना, मतलब गरीबी थी, मतलब करना था वरना पढ़ाई छोड़नी थी। स्कूल का फीस तो कितनी स्कूल का फीस तो नॉर्मल ही था, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में काम ही होता है, फीस होती है? मतलब पूरे साल का 800 आता था। पर आपको तीनों लोग की फीस देनी होती है, बहन की, नहीं मतलब भाई मेरा खुद भी मजदूरी करता था, वो अपना खुद चलाता था, बहन बहन के लिए बाप भरता था, और घर भी मतलब मेरे और बाप से चलता था, मेरी घर, कमाई से और बाप की कमाई से चलता था। घर आप लोग का खुद का बनाया हुआ है, हाँ घर, पुश्तैनी? हाँ घर अपना अपना है ना। पिताजी ने पढ़ाई लिखाई की है? नहीं बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, तो आप लोग को पढ़ाने के बारे में कब सोचा? उसने मतलब उसके दिल में एक मतलब शौक था कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊँ। हाँ, हाँ वो कब शौक से? था, मतलब बचपन से ही था। थर्ड क्लास में आपको मतलब ये था कि डॉक्टर हाँ बनना? डॉक्टर बनूँगा। हाँ पहले मुझे एम था मैं IAS का। अच्छा, हाँ तो पहले क्यों था? अभी भी हो सकता है। हाँ अभी भी है ना, मतलब MBBS के बाद मुझे वही प्लान है IAS हुआ। ये आईएस वाली कहानी कैसे आई? IAS मतलब हमारे गांव में एक है जो KS मतलब क्वालिफाई किया उसने, वो उसने क्वालिफाई हाँ किया, क्वालिफाई किया, वो आज तहसीलदार है मतलब अपने कश्मीर में शुपयान डिस्ट्रिक्ट में। वो आपके गांव से है, हाँ मेरे गांव से है। तो आपको बड़ा इंस्पायर हाँ करता होगा बड़ा ये। इंस्पायर। तो थर्ड से लेके हाँ टेंथ टेंथ क्लास तक तक यही जर्नी रही। सुबह हाँ 9 से हाँ शाम के शाम के सात 7 बजे। तक सेब, हाँ मतलब सेब पर्टिकुलर महीने में होता था, और मतलब क्या होता था? सितंबर से स्टार्ट होता था। मतलब कभी गुड़ाई करनी होती थी, मतलब पेटू को जो दरख्त होते थे मतलब सेब के, उनके नीचे घास आता था उनको काटता था, मतलब यही से दिन काटते थे। कभी मिक्सर के पीछे जाता था, मतलब जो मिक्सर के कनस्ट पीछे क्या? मतलब जब हम बिल्डिंग बनाते हैं उसको मतलब बेस बनाते हैं ना, बेस मतलब कुन उसको हम कहते हैं। सीमेंट? हाँ सीमेंट, उसमें सीमेंट में डालना था, वो काम भी करता था, मतलब स्ट्रगल बहुत रही। थर्ड क्लास हाँ में? थर्ड क्लास से। मैं एक चीज और पूछूंगा कि हाँ, ऑफ कोर्स हमको सुनने में ये स्ट्रगल लग रहा है, क्या उस गांव में ये चीज नॉर्मल है? नहीं नॉर्मल नहीं है, मैं गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, आप जैसे बहुत से लोग होंगे गांव में। मतलब 2-3 ही हैं, बाकी के पास खेत बेत हैं, मतलब एप्पल का खेत है। आप लोग पे खेत नहीं थे? हाँ थर्ड खेत बहुत कम है। क्लास से काम पे लगना पड़ा हाँ पैसे के हाँ लिए, पैसे के लिए, पढ़ाई के लिए। और ये अंडर एज पे मतलब काम कर रहे हो, इस पे हाँ कोई वहाँ सवाल वहाँ पर नहीं नहीं, उठता? वहाँ पर वो नहीं होता है। दे देते हैं हाँ काम। दे देते हैं काम। जहाँ काम करते थे वो लोग कैसे थे, कैसा ट्रीट करते हम थे? वो लोग अच्छे ट्रीट करते थे, मतलब वो उनको पता था आप पढ़ाई कर रहे अपने हो? गांव के ही थे। उनको पता था आप पढ़ाई करते हो? हाँ उनको पता था, मतलब ये रात को पढ़ता था। बहुत बढ़िया। रात को आके पढ़ाई कैसे करते थे फिर? मतलब पढ़ाने वाला कौन था? यहाँ तो पढ़ाने ज़्यादा वाले कोई दिख नहीं रहा मतलब है। पर्टिकुलरली मतलब मेरी जो बड़ी बहन है वो पढ़ाती थी, उसने मतलब MA किया है, पर आप से कितनी बड़ी हो? वो बहुत बड़ी है, मतलब उसकी एज 23 होगी। आप हो गए 18, हाँ आपसे लगभग 5 साल हाँ बड़ी। 5 साल। तो वो हमेशा आपसे क्लास में ऊपर हाँ रहती थी, तो ऊपर रहते हैं। आपको हाँ पढ़ाते हैं। मैथ, साइंस हाँ सब, सब पढ़ाते हाँ थे? सब पढ़ाते हैं। ये चला थर्ड से, थर्ड से 10th तक यही चला। घर के हालात कुछ सुधरे, ऐसा हाँ कुछ घर के हुआ? हालात सुधरे हैं। आपके दिन के पैसे बढ़ने लगे? हाँ कितने होने लगे? मतलब फिर 500 से लेकर 550। 7 साल में इतना ही हाँ हाँ इतना बड़ा? ही बड़ा। फिर क्या हुआ? फिर मतलब जब 11th हुआ फिर मैंने सोचा मतलब मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगा। फिर मैंने मतलब 1.5 महीने मजदूरी की, फिर मैंने 15,000 कमाए, और जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट गया तो वहाँ पर फीस था 30,000। मैंने उन लोगों को बोला मतलब ये घर आपने से बहुत दूर हाँ होगा, घर से बहुत पुलवामा डिस्ट्रिक्ट मतलब 7 किलोमीटर दूर था। कैसे जाते रोज? मैं मतलब 2-3 दिन गया गाड़ी से, किराया भी नहीं थी। फिर मैंने उन लोगों को बोला मतलब आप फीस माफ़ करो, मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन दो। उन्होंने बोला मतलब हमारे पास, हम नहीं कर सकते थे। फिर
फिर बाज़ अवकात कभी कभार किराया भी नहीं होती थी, पैदल जाना पड़ता था 7 किलोमीटर, फिर मैंने छोड़ दिया। इस बीच मजदूरी भी नहीं कर पा रहे, पैसा भी बंद हो गया, पैसा ही बंद हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। ऑफलाइन कोचिंग करने चले गए थे आप, 30,000 रुपया फीस थी। हाँ, मेरे 15,000 थे। नीट की तैयारी पता कैसे चली आपको? हाँ, मतलब नीट की तैयारी ऐसे पता चली, मतलब बाकी डिस्ट्रिक्ट से लोग निकले, नीट क्वालिफाई किया। नीट क्वालिफाई किया आपने? हम लोग के किसी बच्चे का इंटरव्यू नहीं देखा कश्मीर से, मोहसिन ने क्वालिफाई मतलब किया? मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैंने मोबाइल आया 12th क्लास में, लास्ट के दिन में, मतलब जो जब मैंने 12th ख़त्म किया फिर उसी के दौरान। मोबाइल तो नहीं, घर पे मोबाइल नहीं था किसी घर का? पे मोबाइल नहीं था, छोटा वाला फ़ोन होगा, कॉल वाला? छोटा वाला फ़ोन था। कॉल वाला। हाँ, कॉल। 12th में आके मोबाइल, तब आपको पता चला हाँ, तब बाहर आपको। दुनिया में क्या हाँ, चल रहा है। चल, तो 11th में कोचिंग है, और कितने दिन गए वहाँ? मतलब 4-5 दिन फीस दिया था कुछ? नहीं, उन्होंने मतलब रिलैक्सेशन ही नहीं की। तो फिर मैंने बोला मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं, फीस भी नहीं है, पैदल जाना हाँ, आपको, पैदल तो जाना, किराया भी नहीं थी। ऐसे बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है वहाँ पे? हाँ, नहीं, स्कॉलरशिप नहीं है, गवर्नमेंट कभी कभार देती है। 10th में कितने नंबर थे? 10th में मेरे पास 5, मतलब 500 में होते हैं, मेरे थे 395 395 नंबर थे और आपके, 11th में जब मैं आया उसमें 400। तो करीब करीब 80% हाँ, बन रहा अस्सी है आपका। परसेंट हाँ ऐसे थे। घर से आके 80% ला रहे हाँ हो और आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है? हाँ वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। और फिर मतलब फिर 11th में मैंने खुद पढ़ा, उसमें मुझे 425 आए 500 में, और फिर 12th में 480 आए। कोचिंग छोड़ दी ये हाँ, कोचिंग वाली, छोड़ दी, फिर घर पे पढ़ फिर लिया, घर में पढ़ा। मजदूरी छोड़ दी हाँ, आप? ना ही मज़दूरी में करता था ना, रोज नहीं, मतलब मज़दूरी में करता, मतलब पट्टी, मतलब जैसे मैं पहले करता था वैसे नहीं करता, मतलब हर दिन नहीं जाता था, ऑल्टरनेट डे, अल्टरनेट डेज। स्कूल अभी भी नहीं जाते थे? हाँ, स्कूल अभी भी नहीं जाते, तो फिजिक्स, मैथ्स, मतलब फिजिक्स, बायो, ये सब अपने आप समझ में आ रही थी? बायो तो समझ आ रही थी, केमिस्ट्री के लिए मतलब कुछ मदद लेना पड़ा, मतलब थोड़ा रेफरेंस का क्या रेफरेंस? रेफरेंस मेरे पास थी थोड़ी, मतलब एक हमसाये से लिया उसे। हमसाया? हाँ, हमसाया मतलब हमसाये मतलब आस पड़ोस में जो लोग रहते थे उसी को हमसाये कहते हैं। भाषा बड़ी हाँ अलग है ना, हाँ शुद्ध वाह, बड़ी, हमसाया। हमसाया। तो उनसे किताब ली, तो वो हाँ पहले नीट की तैयारी करते थे, हाँ वो करते थे। उनका हुआ सिलेक्शन क्या? नहीं, तो उन्होंने अपनी किताब दे दी, हाँ कौन सी किताब थी? वो थी फिजिक्स में रेफरेंस थी, वो मुझे भी याद नहीं है, मतब बड़ी रेफरेंस थी अच्छी, प्रदीप, ये किताबें किस भाषा में होती प्रदीप। थी? इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश में आपका स्कूल जो था वो इंग्लिश था? नहीं, वो मतलब वहाँ पर कश्मीरी तालीम चलती है। तो ये कश्मीरी से इंग्लिश हाँ, कैसे? इंग्लिश मुझे आता था, मतलब पढ़ना आता था। 9th-10th में जो हाँ आपकी साइंस की किताब थी, हाँ मैथ्स की किताब थी, उसमें क्या भाषा थी? उसमें भी इंग्लिश थी। स्कूल की हाँ, स्कूल की। इंग्लिश चलती हाँ, थी जो वो? यहाँ पर ऑल इंडिया में चलते हैं, इंग्लिश सीबीएसई की बोर्ड? नहीं, नहीं, स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड था हाँ ये। फिर अगल बगल वालों से किताब ली और हाँ रेफरेंस बुक से हाँ पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई की। कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में हाँ, आते? कंसेप्ट आ रहे थे, मतलब कभी कभार नहीं आता था, मदद लेता था किसी का, किसका? मतलब पास पड़ोस में जो मतलब वेल क्वालिफाइड मतलब लड़के थे उनसे मदद लेता था, उनसे पर आप पूछता ये बता था। रहे हो कि गांव में ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन सबकी नहीं है, हाँ, सबकी नहीं है। कुछ ही हाँ, पर्टिकुलर कुछ ही। घर हाँ, हैं कुछ ही। जिनके ऐसा है, हाँ तो बाकी तो पढ़ पढ़ वर्गीय हाँ लोग ही बाकी। कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा है तो ना। मदद करते थे वो हाँ, लोग? वो मदद करते, पीएचडी स्कॉलर हैं वहाँ पर, पीएचडी क्या है, स्कॉलर। PhD स्कॉलर है वहाँ हाँ पे, वो कैसे हैं गांव में, हेल्प करते हैं हाँ किसी को? वो हेल्प करते हैं। कौन कौन था बताओ, किसने मदद की? डॉक्टर गुलजार नायक साहब, वो भी मदद करते थे, उनसे भी मदद बहुत ये लेता MBBS था। डॉक्टर है? हाँ अच्छा, अरे वाह, तो ये पढ़ाते थे? हाँ पढ़ाते हैं। हाँ, उनसे भी मदद लेता था। 11th-12th में मजदूरी? हाँ, फिर मतलब जब नीट की बात आई तो मैंने फिर मतलब यही यकीन देखा है, यकीन 2.0, उसमें मैंने एम आर सर को यकीन देखा, कैसे पहुंचे आप? यकीन मैंने मोबाइल से देखा, मतलब मोबाइल इस कब मिला? मोबाइल 12th के मतलब लास्ट डेज में मिला। फिर मतलब मैंने एक खुद स्टोरी से देखी। खरीदा? हाँ, कितने का था? वो 7,000 का था। 7,000 का फोन? हाँ, तो कहाँ मिला, फोन। गांव में मिलता है कि कहीं और हाँ, नहीं, जाना? पुलवामा जाना पड़ा, क्यों मोबाइल क्यों खरीदा? तो क्योंकि फिर नीट देना था। आपको पता था ऑनलाइन पढ़ाई होती है? हाँ, किसने बताया? मैंने फिर एक इंटरव्यू सुना था जो आपका, लगभग वो बिहार की लड़की थी, मुझे याद नहीं है किसके उसकी, मोबाइल पे देखा वो? वो दूसरे के मोबाइल पर देखा है। उससे क्या पता चला उसे इंटरव्यू मैं से? बहुत इंस्पायर हुआ, मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ, इसने किया मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उस इंटरव्यू में यकीन बैच की बात हो रही है, हाँ, फिर यकीन बैच के। बैच खरीद लिया? हाँ, फिर बैच के लिए मतलब पर्टिकुलर, मतलब 1 महीने मजदूरी की, फिर 3,500 रुपये डाले। तो जिस दिन बैच शुरू हुआ तब नहीं खरीद पाए, हाँ, तब नहीं खरीद, जब दिवाली ऑफर आया उस समय। सस्ता हो गया हाँ, तब? सस्ता तो जब हो गया। तुम्हें पता था ऑफर हाँ, आएगा ऑफर क्या? आएगा। क्या कैसे पता? हाँ, यही मतलब कभी कभार आता ना फ्री, मुझे पता था लगभग दिवाली पे छुटकारा तो मिलेगा। ये नहीं क्या उस बीच की YouTube से पढ़ना शुरू कर दें? हाँ, मुझे मोबाइल पहले नहीं था इसीलिए, मतलब आपकी चैनल मुझे, मतलब आप, मुझे पता था, मतलब आप पढ़ाते हैं, मतलब 2018 में
अकेले आप पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे फिजिक्स वाला का चैनल है, मोबाइल नहीं था इसीलिए। तो यकीन व्यास के बारे में पता चला तब मोबाइल खरीदा? हाँ, तो मोबाइल के लिए, तो मोबाइल के लिए पैसे बचा रखे थे? हाँ मोबाइल के लिए पैसे, पहले मजदूरी की फिर लाया मोबाइल को। यही सेब वाली की हाँ कुछ यही और? सेब वाली, मतलब बाज़ औक़ात सेब वाली भी, बाकी और भी जो मिलता था वो करता था। पहले 7,000 का हाँ मोबाइल, पहले से ये साढ़े अब तीन हजार का बैच। हाँ, मतलब वो कभी बार हैंग भी होता था, मतलब फिर स्ट्रगल तो बहुत रही ज़िंदगी में। 3,500 का बैच हाँ तुम्हारे लिए तो महंगा बैच है। हाँ महंगा बैच है, मतलब महंगा तो नहीं है, मतलब आप जैसे सर, मतलब आपने एजुकेशन में मतलब एक रेवोल्यूशन पैदा किया है, किया है पर मुझ तुम्हारे लिए जैसे तो महंगा गरीब बैच है, जो दिन में 500 की मजदूरी करके हमारा, उसके लिए तो बैच महंगा है, मुझे यही लगता है। महंगा नहीं है, मतलब कितने दिन, मतलब 5-8 दिन मजदूरी करना पड़ा, फिर मतलब ख़रीदा इंटरनेट इंटरनेट के लिए। मतलब मैं पर्टिकुलर दिन मतलब मजदूरी ज़्यादा था, फिर पैसे डालता था, मतलब 150 का पे, कभी 250 का। मजदूरी चलती रही, हाँ मतलब मजदूरी चलती तैयारी रही, के हाँ वक्त भी मजदूरी चलती रही, इंटरनेट के लिए। हाँ इंटरनेट के लिए। लाइव तो देखते ही नहीं होगे क्लास? हाँ लाइव, लाइव तो मैं नहीं देखता था, ये लाइव देखते थे नहीं बताओ, रिकॉर्डेड रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड, डेटा चल जाता था एक दिन का? हाँ 1 दिन का निकलता था। वहाँ कौन सा नेटवर्क आता है किस मोबाइल में, किस में मेरे से? पास जियो था, जियो जियो का, तो 4G। उसमें 2-2.5 GB हाँ नहीं मैं 1.5 GB आता था। पर डे हाँ 4G, हो जाते थे तीनों लेक्चर। हाँ तीनों लेक्चर हो जाते, मतलब पर्टिकुलर मुझे ज़्यादा दिक्कत आती थी फिजिक्स में, बायो में तो खुद से टेक्स्ट से पढ़ता था। NCERT ले ली हाँ थी? NCERT मेरे पास थी 11th, और मुझे पता था मतलब NTA यहाँ से ही क्वेश्चन फ्रेम करता है, ये सब कैसे पता चल रहा था? मतलब मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर नज़र मारता था, हाँ उसे पता चलता था। भाई और बहन मोटिवेट करते थे इन सब हाँ के लिए। मोटिवेट, वो मोटिवेट करते थे, मतलब कभी मतलब 3 बजे उठना, फिर चाय देना जनवरी में, जैसे माइनस, 3 बजे? अच्छा तुम 11th 12th में वैसे ही पढ़ रहे हाँ हो, वैसे पढ़ रहे थे पर अब माइनस। तो मजदूरी में रोज नहीं जाते थे? हाँ तब तो मजदूरी, मतलब पर्टिकुलर दिन में जाते थे, जब जाते थे मतलब ज़्यादा तो मजदूरी करता था। पेंट भी करते थे हाँ आपकी वो सी हाँ कहानी उड़ी पेंटिंग, है, पेंटिंग पेंटिंग में करता था। अच्छी आती है हाँ पेंटिंग पेंट थोड़ी आती है, क्या, कमरे के अंदर की बाहर से बिल्डिंग? हम वहाँ पर वो खिड़की ऊपर मारते हैं पेंट, फिर वाल पुटी हो गई, वो पेंटिंग का काम करता है। वॉल पुटी भी आती है हाँ वाल आपको? पुटी आती है, काफी सारे काम सीख रखे हैं हाँ यार, सेब तोड़ना, वॉल पुटी करना। पर एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है कि आप जब 11th में आ गए हो, 10th में आपके 80% है, हाँ ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाया? ट्यूशन मैंने इसलिए नहीं पढ़ा, मतलब पैसे नहीं थे। नहीं, क्यों नहीं पढ़ाया बच्चों को ट्यूशन? हाँ मतलब बच्चे तो मुझे क्या पढ़ेंगे, मतलब वहाँ पर उनके पास पैसे थे, बाकी रिसोर्स थे, मतलब ब्रांड थे वहाँ पर, मतलब जो मुझे मतलब ग्रेजुएशन के मास्टर थे, PhD स्कॉलर थे। हाँ वो ट्यूशन पढ़ाते थे? वो आपने कभी नहीं, कोशिश किया कि चलो ट्यूशन पढ़ाते हैं यार, एक दो बच्चा आ जाए मैंने ऐसे? कभी कोशिश नहीं की। आपको किसी ने ये आइडिया नहीं दिया कि ट्यूशन पढ़ा लो किसी नहीं के नहीं बच्चे किसी ने को? नहीं, हाँ ये भी कर सकते थे, ये भी कर पैसे सकते अच्छे हैं, मिलते मतलब हैं ऐसे। आइडिया नहीं आया उसे। हाँ 10th में 80% है तो गांव में बच्चे तो आ जाते हैं एक दो, पढ़ने पढ़ने में आप अच्छे हो, ये कर सकते थे। अब पढ़ा रहे हो ट्यूशन की? अभी भी नहीं? नहीं अभी भी नहीं। फिर बताओ, फिर बैच ले लिया, फिर क्या हुआ? हाँ फिर बैच लिया, मतलब बैच लिया दिवाली में, हाँ दिवाली में, मतलब फिर तो एम आर, पहले 4,000 का था। हाँ फिर 3500 का आ गया, फिर ख़रीदा, मतलब फिर मतलब मैं मतलब काम दिन में काम करता था, और शाम को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक देखता था, और फिर 3 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ता था क्या ऐसे। सोते थे हाँ दिन में? मैं दिन में काम करता था, मतलब जब घर में बैठता था तब दिन में देखता था। तुम 3 घंटे सो रहे हो अभी भी? नहीं आप तो ठीक हो गए ना, चेकअप को करवाया है कि नहीं? इधर बीच नहीं चेकअप नहीं भी नहीं किया, कराना पड़ेगा, तुम कराना इतने टाइम से पड़ेगा। 3 घंटे सो रहे हो, बोलते हमेशा से कम हो। हम बोलते मैं हमेशा से कहूँ, लाइफ फर्स्ट इंटरव्यू है लाइफ में, मतलब आपसे, आप जैसे सर से मुलाकात। पर टीम तो बता रही थी बहुत इंटरव्यू दे रहे हो तुम। किसी इंटरव्यू में तुम फिजिक्स वाला कहीं बता रहे थे शायद, और हाँ वहीं से हमेशा ऐसे ही होता है। मोहसिन भी ऐसे ही हम लोग को मिला, हाँ जहरा भी ऐसे ही मिली, हाँ कश्मीरी बच्चे हर बार मुझे ऐसे ही मिलते हैं कि वो कहीं इंटरव्यू दे रहे होते हैं और हाँ वहाँ वो फिजिक्स वाला का नाम बोलते हैं, फिर हम लोग को पता चलता है। खैर तो फिर पढ़ाई चालू हो गई, फिर हाँ सारे लेक्चर देखते थे? नहीं, सिर्फ फिजिक्स नहीं, के देखते थे हाँ आप? फिजिक्स की, पर्टिकुलरली फिजिक्स की और DPP करते थे बाकियों की? नहीं, नहीं, फुर्सत नहीं आता था उतना टाइम मेरे पास नहीं होता था, मतलब टेस्ट कभी कभार में दे पाता था, जो टेस्ट भी नहीं आप देते थे? कभी कभार, मतलब अगर मुझे पर्टिकुलर समय मिलता था ऑल इंडिया रैंक में निकाल सकता था। तुम एक बॉक्सर हो जिसका दोनों हाथ बांध के रिंग में उतार दिया गया है कि हाँ लड़ो सर से मार के जीतो, ऐसे बच्चे हो तुम और क्या? सामने एक बंदा है जिसके हाथ में महंगे क्लब्स हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास नहीं है। GMC तो मिल जाएगा, हाँ GMC मिल जाएगा। हाँ इस नंबर पे तो मिल जाता है।
फिर आगे क्या हुआ? फिर डीपीपी सारी करते नहीं थे, फिजिक्स ही करते थे क्या? हाँ, फिजिक्स को कमे करता था, टेस्ट भी ज़्यादा नहीं दिए, टेस्ट भी ज़्यादा नहीं दी, फिर क्या हुआ? मतलब यही करता था, मतलब बायोलॉजी का मैं टेक्स्ट बार बार पढ़ता था। एनसीईआरटी हाँ, एनसीईआरटी। टेस्ट का समय नहीं मिलता था क्योंकि हाँ, मजदूरी। मजदूर। घर का खाना ना कौन बनाता है? माताशी, माँ माता मम्मी माँ बनाती मम्मी हैं खाना। बनाती हैं। सही। और क्या करते हो? कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। बाकी तो मैं बस इंटरेस्टिंग है कि नहीं ये बताओ। जब ये मजदूरियां चल रही थी, मैं मानता हूँ ये बहुत ही स्ट्रगल है, मुश्किल है, और हो सकता हो किसी को मेरा ये सवाल इनसेंसिटिव लगे, पर क्या आपको अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं थी? कि थी? खुशियाँ नहीं, कभी नहीं थी, नहीं थी। नहीं थी। खेलना कूदना? बचपन में ही थोड़ा था बस, बाकी बंद था, बाकी 7-8 साल। फिर क्या हुआ आगे? आगे यही सफर रहा, मतलब नीट तक, नीट के बाद अब देखिए क्या होगा। नीट के पहले कोई मॉक टेस्ट दिया था फिजिक्स वाला के? हाँ, फिजिक्स थोड़ा ही दिए थे, मतलब जब नीट का फिर 1 महीना उसमें मैंने दिए थे। टेस्ट दिए हाँ, थे, टेस्ट पांच दिए थे, मतलब उतने ज़्यादा नहीं, 5-7 दिए थे। हाँ, सात दे पाए थे। बस उसमें कितने नंबर आ रहे थे? उसमें ये आते थे, मतलब कभी 595, कभी 612, 610, इसी में आ रहा, मतलब स्कोर रह रहा था। इतने में आपको पता था सेलेक्ट हो जाओगे? हाँ, इतने में मुझे पता था। नीट के पेपर कहाँ पे पड़ा आपका सेंटर? पुलवामा में उस दिन को डिस्क्राइब करो, उस दिन के बारे में बताओ। उस दिन के बारे में, मतलब उस दिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, मतलब हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब यही सोचता मेरा। फिर आपके मैंने, गांव से और लोग भी तो नीट दे रहे होंगे। हाँ, मतलब और 2 बंदे थे, उनका इस साल नहीं निकला, उनसे दोस्ती आ रही थी? नहीं उनसे मेरी दोस्ती नहीं थी, मेरे उतने दोस्त नहीं थे, जहाँ मजदूरी करने जाते थे वहां दोस्त होंगे? नहीं वहाँ भी दोस्त नहीं होते थे। क्यों? मतलब मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ मैं दोस्त रख पाऊँगा, मतलब मुझे, मतलब मैं उतना, मतलब बड़ा भी आदमी नहीं, वो मुझे बड़े थे, मतलब वो दोस्ती नहीं रखना चाहते थे। हाँ, उम्र में बड़े लोग नहीं, और पैसे भी के मामले में वो बड़े हैं। जो तैयारी कर रहे थे। हाँ ना, वो उधर दो लड़कियाँ हैं, वो लड़की के साथ क्या मतलब रिलेशन रखी है, दोस्ती। उधर गांव में काफी डिफरेंस हाँ, है, कहाँ अमीरी गाँव। गरीबी ये सब बहुत है। अभी भी पेपर वाले दिन बड़े एक्साइटेड थे हाँ, फिर। पेपर वाले बड़े, मतलब दिमाग में ख्याल आ रहा है क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने पेपर में 615 मार्क्स किए थे, मतलब 2 सवाल, मतलब 3 सवाल ऐसे रहे, मतलब मैंने उनको पेपर में टिक किया, वो OMR पर, मतलब मैंने भरे नहीं है, वरना वो भी ठीक थे। तो जब मैंने की देखा, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 615, फिर 601 आए, करेक्टेड वाले में कुछ बढ़े क्या? मतलब जब करेक्ट कभी आंसर की जब चैलेंज हुआ उसके बाद हाँ, कुछ एक बढ़ा? एक एक बढ़ा एक उसके बड़ा बाद। बड़ा। रिजल्ट तुम्हें कब पता चला? जब रिजल्ट मुझे पता चला, मैं उस वक्त काम पर था, मतलब 20 किलोमीटर दूर घर से। कब? जब आंसर की रिलीज हुई कि जब नहीं, रिजल्ट जब आया? रिजल्ट आया उसके पहले परसों। आंसर की तो देख ली होगी, हाँ, उसके पहले आंसर की मैंने देखी। तो आपको तो समझ में आ हाँ, गया समझ में आंसर। आ रहा था, मतलब 600, उस समय मतलब 615 एक्सपेक्ट में कर रहा था, फिर 601 आया। फिर उसके बाद फिर से ले ये हाँ, काम काम पर। हाँ मजदूरी हाँ चालू हो हाँ गई। हाँ अभी 550 रुपये पर डे। हाँ फिर 550, गए फिर फिर? गए, फिर जब रिज़ल्ट आया, उस दौरान मुझे घर वालों ने फ़ोन किया कि आपका सिलेक्शन हुआ है, फिर उन्होंने हाँ बुलाया, फिर मैं जब घर पहुंचा, वहाँ पर बहुत मीडिया था, है, फिर बहुत सारे इंटरव्यू देने पड़े। देने पड़े, हाँ अच्छा नहीं लगा देखे पड़े। घर पहुंचे तो मीडिया वाले थे। किसका इंटरव्यू? आपका लिया? और हाँ, मेरा लिया। मम्मी पापा का? हाँ, मम्मी पापा का भी लिया। तो खुश हो गए मम्मी हाँ, बहुत पापा? खुश हुए। फिर मैं कल श्रीनगर फर्स्ट टाइम गया था, विद्यापीठ। अच्छा, कल विद्यापीठ गए थे हाँ आप? हाँ श्रीनगर। हाँ, कैसा रहा वहाँ? बहुत अच्छा रहा। बच्चों से बात हुई हाँ, बच्चों से बात हुई। वहाँ? बोले? हाँ, यहाँ तो आप बहुत बोले। कम बोल रहे हो। डर लग रहा है क्या यार? नहीं, डर नहीं लगा। ये इतना ही बोलते हैं हमेशा? ये आपके कॉलिन ब्रदर है, ये कहाँ रहते हैं? ये मेरे ही पड़ोस में रहते हैं। आसपास रहते हैं। घर में कोई आपका पढ़ाई पढ़ने का कमरा था ऐसा हाँ, था कमरा था, चार आप? कमरे थे घर में। हाँ, एक कमरा मेरा था, उसमें पढ़ता था। लाइट वेट आती है हाँ, सारी? लाइट वाइट थी ठीक, लाइट वाइट ठीक थी, इंटरनेट सहूलियत भी ठीक थी, कभी कभार ज़्यादा था। इंटरनेट तो अब सही हुआ है हाँ, काफी, हाँ पिछले कुछ समय में समय में डाउनलोड करके देखते थे वैसे भी आप? नहीं, मतलब जो लाइव आता था ना, फिर वो डाउनलोड पर रहता था, वही मैं देखता था। डाउनलोड करके देखते थे हाँ, वही, नहीं डाउनलोड नहीं, उसी को हाँ उसी रिकॉर्डेड को, रिकॉर्डेड को देखता था। देख लेते थे। हाँ,
नीट के रिजल्ट के बाद घर गए और घर पे घर पे बहुत मीडिया था मतलब, फिर इंटरव्यू देने पड़े, फिर उसके बाद बहुत एक्साइटमेंट हुआ मतलब खुशी हुई, फिर रोज मीडिया आ रही है घर, हाँ दो दिन से लगातार आ रही है। फिर सरकार से किसी ने कनेक्ट किया आपसे? हाँ वो श्रीनगर से एक SHO मुदस्सिर ने, वो भी DIPT में मिला है, मिले आपसे? उसे मुलाकात हुआ, उसने बच्चों को बोला मतलब ऐसे भी स्टूडेंट हैं, हाँ मोटिवेट किया उनको मतलब आप भी कर सकते हो, आपके अंदर मतलब इतनी रिसोर्स है, मास्टर हैं आप कर सकते हो। अभी मजदूरी नहीं कर रहे कि कर रहे हो? नहीं अभी नहीं, कितने दिन हो गए? 3 दिन छुट्टी हुई मतलब जब से रिजल्ट निकला है। तो अब तो कॉलेज जाओगे? हाँ अब तो मजदूरी, हाँ मजदूरी बंद होगी। कॉलेज का फीस इसके लिए किसी ने कुछ बोला अभी तक? नहीं अभी तो किसी ने नहीं बोला, हम लोग कर देंगे वो तो, ठीक है छोटी सी बात है। हाँ ये उम्मीद थी मतलब जो पिछली बार एक लड़का हुआ था मतलब उस समय उसने तुझे बोला आपने बोला उस समय मैं मतलब सब कुछ कर दूँगा, उस समय मतलब पार्टी में वो था मैं सेलिब्रेशन करते थे मतलब बड़ी सभी मास्टर थे। तुमने वीडियो देखा हाँ था? वो मैंने वीडियो देखा था। इतना भी ना करे तो धिक्कार है मेरी ज़िंदगी पे यार, तुम लोग क्या क्या करके यहाँ तक आ रहे हो। हाँ आपका बहुत मतलब शुक्रिया, ऐसे प्लेटफार्म फराम करना। तुम इससे भी बड़ा कुछ बनाओगे, तुमने मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल देखे है लाइफ में, मैंने कुछ नहीं देखा। ये जो वीडियो है ना, ये हिला देगा लोगों को, उनको लगता है कि वो जीवन बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको स्ट्रगल पता नहीं क्या होता है। आज तक शायद इस इंटरव्यू पहले मुझे भी लगता था कि मैंने जीवन में काफ़ी लड़ाई लड़ी है, अभी लग रहा है बहुत कम लड़ी, बहुत ही कम लड़ी है। मैं समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे मदद करूं, और अब मैं क्या मदद करूं? तुम तो लड़ लिए, जब मदद करनी थी तब मैं था नहीं, तब मैं पहुंचा ही नहीं, तब मुझे पता ही नहीं था। और ऐसे बहुत से बच्चे होंगे हम नहीं पहुंच पाते। कभी कभी हम लोग लगता है कि हम लोगों ने बहुत कुछ किया है देश के लिए, फिर ऐसे बच्चे सामने आ जाते हैं, फिर लगता है यार ये कैसे सॉल्व करें, ये सब प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली नहीं है। अभी घर पे कैसा माहौल है? हाँ घर पे भी मतलब खुशी का माहौल है, सब लोग आ रहे हैं मतलब रिश्तेदार, हाँ हाँ रिश्तेदार कहाँ रहते हैं? रिश्तेदार दूर रहते हैं मतलब 5-7 किलोमीटर दूर रिश्तेदारों ने है, किसी ने मदद नहीं की? हाँ रिश्तेदार में से नहीं, कुछ तो होंगे पैसे वाले थोड़े हाँ बहुत, पैसे वाले थे मतलब उन्होंने कभी नहीं किया, कभी मांगा आप कि? मांगा भी नहीं। मैंने नहीं मांगा उनसे। पिताजी आपकी एज हो गई अब, हाँ तब वो काम नहीं करते, वो नहीं करते, अब वो कौन कर 70 रहा से है? ऊपर हैं कौन मतलब, कर जो रहा है? मेरा बड़ा भाई है वही करता है। और आप? हाँ मैं हम दोनों ही घर चलाते थे और मैं अपनी स्टडी भी कर पाता था। साइकिल है तुम्हारे पास कुछ? नहीं साइकिल वाइकल नहीं है, ना बाइक है ना मोटरसाइकिल है मतलब वो चीज़ें मेरे पास नहीं है। मैं क्या कर दूं तुम्हारे लिए, मुझे बस ये जानना है, मैं मदद है कर क्या दूं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोग बोलते हैं मतलब सब मतलब आपको अब पढ़ना है बहुत मतलब बुक्स बुक्स की ज़रूरत है आपको, बुक्स मतलब जो MBBS के दौरान लगते हैं। आपको हाँ बुक्स, कॉलेज, हॉस्टल फीस, वो सब तो मैं कर दूंगा, उसके सिवा मैं और क्या करूँगा उसके लिए लाइफ में, और क्या करूँ? बाकी वो तो तो बहुत छोटी बाकी चीज़ है कि कॉलेज की फीस वैसे भी इतनी ज़्यादा नहीं होती GMC की, ऑनेस्टली। हॉस्टल की फीस मतलब आज तो मैं ये भी नहीं बोल सकता इतनी ज़्यादा नहीं, आपके लिए ज़्यादा है। हाँ जो लोग वीडियो देखते हैं उनको 4,000 की बैच की फीस कम लगती है, आपके लिए ज़्यादा है, आपको उसके लिए मजदूरी करके लानी पड़ती है। वो सब तो कर देंगे यार, देखो उम्र, इंटरव्यू के बाद बात करते हैं। क्या कहना चाहोगे बच्चों से जो कहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इंस्टाग्राम में फंसे, उन बच्चों बच्चों से के क्या? लिए यही मैसेज रहेगी कि मेहनत करो, मेहनत आपको मतलब ऊंचे मकाम तक पहुंचा जा सकता है। आप कितने साल के हो? मैं 18, मेरी एज 18 है। आगे क्या प्लान है? आगे ही प्लान है MBBS के बाद, मेरा प्लान है IAS, UPSC की तैयारी हाँ करोगे? UPSC। MBBS के बाद करोगे? हाँ करो, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें नौकरी करनी चाहिए घर को हालात सुधारने के लिए जल्द से हाँ जल्द? करेगी ना नौकरी भी, जैसे UPSC भी साथ में करेगी। जब मजदूरी और साथ में नीट निकाल लिया तो हाँ UPSC तो बेस निकाल देंगे। निकाल लेंगे। चॉकलेट वॉकलेट कुछ लाना बच्चे के लिए? मिठाई कौन सी पसंद है? मैं मिठाई उतना नहीं खाता हम तो खा रहे हैं, थोड़े पैसे कमा लिए तो खा रहे हैं, तुम भी खाओगे यार, समय बदलेगा भाई, बदल रहा है, शुरू हो गया है, बदलेगा और बदलेगा, काफी समय लग गया। था। हाँ
अब तो लग रहा होगा ना तुम्हें अब यहाँ से समय बदलने वाला है, विश्वास तो हुआ होगा, विश्वास तो हुआ होगा घर वालों को भी हुआ। घर वालों को भी हुआ। बहन की शादी हो गई? मतलब नहीं, अभी तो नहीं हुई। अच्छा, कभी मेरे को मेल नहीं किया तुमने? नहीं, नहीं तो मोबाइल ही नहीं था, यकीन बैस लेने के बाद। मतलब आपका ईमेल ही मेरे पास नहीं था। तुमने बिहार के लड़के का इंटरव्यू हाँ, देखा, बिहार के नाम पता है लड़के। क्या? नहीं, नाम मुझे पता नहीं। और मोहसिन हसन के बारे में नहीं पता चला आपको? हाँ, फिर चला, जब मैंने मोबाइल आया उस समय मुझे, मैंने देखा मोहसिन से आपको। मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो दूर है ना मुझे, वो कुपवारा में रहता है, मैं पुलवामा, लगभग 80 किलोमीटर हो गए। आपकी उम्र के और कितने लोग हैं उस गांव में जो ऐसा कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे? अभी तो कोई नहीं है, मतलब जो लड़के हैं वो छोटे हैं। आपके बड़े भाई पढ़ाई नहीं करना चाहते? किसने? उसने एमए तक किया है, फिर जब नहीं जॉब मिला तो उसने छोड़ा। फिर मेरी बड़ी बहन ने, एमए तक किया फिर हाँ, जॉब एमए नहीं तक मिला है? मिला। उनसे तो बोलो अपना रिज्यूमे भेज दें हम लोग हाँ को, है ना, हाँ उनका इंटरव्यू कराते हैं और जो हाँ सूटेबल रोल हो हाँ उनको जॉब देते हैं। ऐसे पैसा नहीं देंगे यार, काम करवाते हैं, हाँ उनको भी अच्छा लगेगा। और बड़े भाई, बड़े भाई मजदूरी करते, उन्हें 12th पास किया है, उनका है मन आगे पढ़ाई वढ़ाई करने का कि नहीं है? अब वो अब नहीं करना चाहता। तो क्या काम करना चाहते हैं? आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे यहाँ यहाँ पे ना एक गार्ड भैया है और यूपीपीएससी का एग्ज़ाम, स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उन्होंने यूपी का, स्टेट का, और उसकी तैयारी करते हैं यहाँ बैठ के वीडियो देख के। तो भैया को भी ऐसे मोटिवेट करो कि अभी वो भी तैयारी करें। हाँ, करूँगा अगर माना तो। नहीं सुनता आपकी? हाँ, नहीं सुनता है। भाई भाई बहन का कैसा रिश्ता है? भाई बहन दोनों बहन तो अच्छे हैं, मतलब बहुत सपोर्ट मतलब करते थे, लड़ाई लड़ाई झगड़े नहीं होते? झगड़े नहीं होती थी। जब आप छोटे थे तब पिताजी क्या करते थे? वो तब भी मजदूरी करते थे। और आपके दादाजी? मेरे दादाजी, मतलब जब मैं छोटा था वो गुजर चुके हैं। पता तो होगा क्या करते थे अपने समय नहीं में? पता मुझे उसके बारे में, नहीं उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है उमर भाई, आपने यार बहुत ज़्यादा लड़ाई की है जीवन में, आपका शक्ल मेरे समझ से बाहर है, हम सोच भी नहीं सकते उस बारे में। दिमाग में बसे रहोगे तुम अगले बहुत दिनों तक मुझे लग रहा है, बस इसीलिए अच्छा हुआ मैंने कहा आपको इंटरव्यू नहीं देखा, परसेप्शन बना के बैठा होता। मेरे पास तो उड़ती उड़ती से व्यक्ति कहानी आई थी, एक बच्चा है नीट निकाला है और पेंटिंग का काम करता है, हाँ, पेंटिंग का काम ही करता यही बात आई। फिर अभी आपने बताया फल भी तोड़ते थे, था। हाँ, वो भी करता था ना, ये भी करते थे, ये भी सीजन में करते वो भी करता था। थे। अभी काम करना, तुम्हारा कॉलेज का तो सब हम लोग देख लेंगे, हाँ इसके बाद फर्स्ट ईयर से तुम हमारे साथ काम करना चालू कर हाँ देना हाँ पीडब्ल्यू के अंदर, हाँ मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाओ, हाँ इंटरेस्ट अपने में आ जूनियर को जाऊँ। मोटिवेट करो, हाँ बोलना पड़ेगा पर उसमें, हाँ मैं बोलूँगा। मैं बोलूँगा, हाँ काम करना पड़ेगा। हाँ वहाँ से दीदी की वो करते हैं हाँ और तुमको एक बाइक गिफ्ट करता हूँ मैं, चलो क्या बाइक नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए बताओ फिर? लैपटॉप। लैपटॉप चाहिए? हाँ, वो लैपटॉप तो अभी दे एमबीबीएस। देंगे यार, लैपटॉप लेके आओ भाई जल्दी से टीम से, और नहीं मिले तो मेरा लैपटॉप दे दो उसको पैक करके अभी। और क्या चाहिए? लैपटॉप कर देंगे और क्या करें बताओ। बस इतना ही है, मतलब बाइक का भी तुमने बाकी नाम लिया ना इसलिए नहीं, मुझे बाइक लगा, बाइक मुझे जरूरत नहीं है, भाई तुमने बोला ना ना साइकिल है ना बाइक है। मतलब आपका मैं बहुत, अब क्या बताऊँ। अब हम जैसे मैं बच्चों को बताता आपने हूँ, मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाया, मैं बताता एक हूँ प्रॉब्लम, रेवोल्यूशन पैदा किया है एजुकेशन में। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है ना, पता नहीं अब ये बोलना भी, यहाँ बोल भी नहीं सकते इसको, ऑफ द कैमरा समझ लो क्या बोलूँ, कि कहा जाता है कि सब इक्वल है ऐसा है वैसा है, नहीं है यार, हम तुम इक्वल नहीं है सोसाइटी में, हाँ, ये तो नहीं है। है। और मेरा जो सबसे ख़राब फेस था, तुम्हारा जो सबसे ख़राब फेस है, वहाँ भी हम दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ और कश्मीर की बात अलग अलग है। नहीं यार, आप कश्मीर से, आपको कश्मीर दिखता है, मुझको तो बिहार में भी ऐसे बच्चे दिख रहे हैं, हाँ, बिहार में भी ऐसे बच्चे हैं ना, मुझे मतलब मुझे बहुत। महाराष्ट्र में दिख हाँ रहे हैं, हाँ अभी कल मेरी महाराष्ट्र में बच्चे से बात हुई, वो भी हाँ वो बात पेंट। नहीं है सोसाइटी में, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। मतलब सोसाइटी, मतलब एक गरीब बच्चा एक अमीर बच्चा, वो अलग बात है यहाँ की और कश्मीर की, मतलब किस नज़र से देखते हैं। नहीं मेरे लिए तो बराबर है यार, भारत का बच्चा, हर बच्चा बराबर मेरे लिए,
कोई और नजरिया ही नहीं मेरा इसके सिवा। आपका नहीं मतलब कश्मीर के लोगों का क्या नजरिया है? मतलब किस दर्जे से देखते हैं एक गरीब बच्चे को, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्यों? मतलब है ना मतलब बाकी लोग। अब तो बहुत सुधर रहा है यार, सब तो बहुत पुरानी बातें हैं। नहीं हो रहा, अभी भी नहीं सुधर रहा। हाँ थोड़े लोग सुधर रहे हैं। अभी आप बता रहे थे वो जो आई एस सेलेक्ट हुए हैं आपके यहाँ से, हाँ वो हुआ, मतलब वो भी गरीब खानदान का था, उसको देख के तुम्हें लगा नाम ना कि तुम कर मार्टवेस में सकते, बोल दिया। तुम्हें देख के कितने को हाँ लगेगा कर सकते। हाँ मोहसिन को देख के कितने लोग को हाँ लगेगा, बहुत बदलेगा बहुत यार, लोग हुआ, समय तो बदलेगा। लैपटॉप दोस्तों के पास है, मतलब हाँ उनके पास है चला दोस्तों लेते के। हो आप? हाँ नहीं मैंने कभी नहीं चलाया। कल मुझे विद्यापीठ ने एक बोला मतलब आप ईमेल लिखो, मैंने कभी चलाया नहीं। हाँ ईमेल लिखने को बोल दिया उमर सर किस लिए? बोला था मतलब MR सर के साथ आपको वीडियो कॉल करना है, हाँ मुझे आता ही नहीं था, तो फिर उसने खुद लिखा। अभी करा देते हैं, जस्ट अभी हमारे से तो वीडियो कॉल करा देते हैं, बुला ही देंगे, मिला देंगे हाँ आपको। उसने बोला कॉल मिलूंगा, मैं MR सर नहीं, पंकज सर ने उसको फ़ोन किया था, पंकज सर नीचे मिले। हाँ आज मिले? हाँ हाँ क्लास में थे ना अभी, हाँ क्लास अभी में मिले। मिलवाते हैं हमारे से आपको, डेफिनेटली मिलवाते हैं। दिन तो बदल रहा है, प्लेन में हाँ बैठ के दिन आए हो, हाँ बदलेगा समय यार। मम्मी को पता है नीट वीट की परीक्षा के बारे में कुछ? नहीं समझते नहीं हैं डॉक्टर बस डॉक्टर बस भैया, और भैया। भैया मतलब भाई और बहन को पता हाँ होगा। उनको पता होगा, उनको पता है मतलब वो पढ़े लिखे हैं। अच्छी चीज़ें तुमने इंग्लिश के साथ भी खुद को अडॉप्ट कर लिया है ना, जिस तरह के तुम काम करते थे वहाँ ये चीज़ें मुश्किल हैं। हाँ मुश्किल है मतलब नीट का पेपर ये इंग्लिश में ही था। लोकल लैंग्वेज भी तो होता है। हाँ मतलब हिंदी अलग है लैंग्वेज, मतलब हिंदी में अलग है मतलब लैंग्वेज प्रिंट इसमें बोलते हैं। ऑफलाइन तो कोई टेस्ट तुमने दिया ही नहीं नहीं होगा। ऑफलाइन में कभी नहीं दिया। मेरे ऑफिस वालों से मिलोगे? मिलवाए तुम? बड़ी हाँ खुशी होती है लोगों को कि बड़े बड़ी ज़्यादा खुशी होगी तुमसे मिलकर। मुझे भी उस समय बहुत खुशी हुई, मतलब वो इंटरव्यू देखकर। कौन सा विद्यापीठ जाके? नहीं जो बिहार की लड़की थी, किसका इंटरव्यू देखे थे बताओ थोड़ा सा, मैं नाम जानता हूँ उनका, नाम तुम बताओ थोड़ा बहुत क्या लड़का बोल रही थी, मुझे याद आ जाएगा। और वो लड़का है कि लड़की थी, मतलब एक ट्रंक है उसके, मतलब उसी में वो पढ़ता था, उस पर वो बैठ कर पढ़ता था वो लड़का, कब देखा है? मतलब यूट्यूब पर मैंने देखा था कब कब? पिछले साल, पर सुरेश का इंटरव्यू देखा होगा तुमने, नाम मुझे याद नहीं है। सुरेश का इंटरव्यू, समझ गया। सहारनपुर का कहाँ का है वो? 612 नंबर है। हाँ वही वही लड़का, गांव का था ना? हाँ गाँव का था। मम्मी भी आ हाँ गई मम्मी थी। यहाँ हाँ वही वही सुरेश का था इंटरव्यू, वही अरे बिल्कुल मैं समझ ना, गया उसने मुझे था। बहुत मोटिवेट किया। बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है सुरेश की, अब आपकी स्टोरी मोटिवेट करेगी। अरे हाँ एक चीज़ और हम लोग देंगे तुमको, नीट पीजी का सब्सक्रिप्शन भी तो देंगे मेरिट का, यहाँ से मेडिकल कॉलेज पढ़ाई कर। नहीं नहीं फोटो नहीं खिंचवाओ, रख दो ठीक है, छोड़ दो, अब से हो जाएगा बेटा। हम लोग साथ काम करोगे ना तो फिर पैसे भी हाँ आने लगेंगे और पढ़ाई भी करना अच्छे से। क्या सपना है, पैसा कमा के क्या करना है? बस यही सोसाइटी को मतलब गरीब बच्चों को मतलब आगे पहुंचाना है, उसे ही सपना अपने है जैसे और बच्चों आपके को, जैसे, मतलब आपने। हमने कुछ नहीं किया यार, अभी जब तुम्हारे से बच्चे रह जा रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं पा रहे भाई, अभी यहाँ तक नहीं सॉल्व हुआ है, हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ बहुत है। हुआ है सर मुझे जैसे, और भी बच्चे मतलब कहाँ कहाँ पहुँच गए। और छोटे क्लास तक जाना पड़ेगा मुझे। हाँ लैपटॉप तुमने कहा था तो, और क्या दे रहे हो साथ में? बैग? अच्छा लैपटॉप बैग है क्या? लैपटॉप चलाना कैसे सीखोगे तुम? कौन लैपटॉप कोई सिखाएगा सिखाएगा? जिसे बोलूंगा। किससे बोलोगे? गांव में किसी हाँ से? गांव में है ना बहुत लोगों के पास है। हाँ मैं तुमको कोई चीज़ एहसान में नहीं दूंगा भाई, तुम्हारी क्वालिफिकेशन है तो होगा, बोलना पड़ेगा, काम करना नहीं पड़ेगा, नहीं या नहीं तुम डाउट सॉल्व करो या तो तुम कुछ और करो, सर मैं डाउट सॉल्व करूँगा। कंटेंट बनाओ, हाँ तुम्हें जो अच्छा डाउट लगता सॉल्व है ऐसे करूँगा, काम करो, कुछ भी है ना, कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा। डाउट में सॉल्व करूँगा बच्चों के। उमर आज से हमारा कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर, फिजिक्स वाला का ब्रांड एम्बेसडर, मैं एकदम ऑन कैमरा बोलता हूँ, आज हमारा ब्रांड एम्बेसडर कश्मीर का। ठीक है उमर, अब तो काउंसलिंग आने वाली है, हाँ अब वापस जाके मजदूरी नहीं करोगे हाँ अभी, अब नहीं कहेंगे। ठीक है? आज से यहाँ से हाँ ये प्रतीक भैया है, इनसे बात करोगे और यहाँ से काम स्टार्ट करोगे तो कल इंशाल्लाह। परसों से, हाँ ठीक है? इंशाल्लाह एकदम बेहतरीन तरीके से काम शुरू करो। मैं तुमको इनिशियल गिफ्ट के लिए 10 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ, ठीक है? और देने को मैं बहुत कुछ दे दूँ, पर तुम खुद से मेहनत करो, कमाओ, जैसे यहाँ तक लड़े हो आगे लड़ो। दीदी की CV भेजो, बहन की, हम लोग दीदी बोलते हैं, आप जो भी बोलो, तो उनकी CV भेजो, करते हैं। तो ये उमर की कहानी, और
हमें अभी बहुत काम करना है, हम सबको बहुत काम करना है। उमर जैसे सोसाइटी में बच्चे हैं और मतलब किससे छुपी है देश की ये हालत, ऐसे बच्चे हैं और ऐसे बच्चे लड़ रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं हम सबको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, और उमर भी कर रहे हैं। और ऐसा कोई भी अगर बच्चा ये वीडियो देख रहा हो, कहीं भी सुन रहा हो, उसके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जो ये वीडियो देख रहे हैं लोग, आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जैसे हालातों में हो, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हो, तो नीचे हम एक ईमेल आईडी डाल रहे हैं, उस पर आप मेल करें और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। और मैंने जितने भी पैसे कमाए मैं ऐसे बच्चों के लिए लगाऊंगा और ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करूंगा। और मैं धन्यवाद देता हूं उमर का कि वो इन हालातों से लड़के यहां तक आया और मुझको रियलाइज़ कराया कि अभी बहुत सी प्रॉब्लम है जो हम लोग ने सॉल्व नहीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।